देखो हमारा जो बीजीएमआई है उसके अंदर एक न्यू अपडेट तो आने ही वाला है, हम सबको पता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और आज हम इन्हीं न्यू अपडेट्स को एक्सप्लोर करेंगे हमारे सीजन 1 कॉन्कर के लिए डक्सुआ गेमिंग के खतरनाक क्लचेस को देखते हुए। अगर तुम चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल के साथ, कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या तुम बीजीएमआई के लिए हाइप्ड हो। अब भाई ये हमारे डक्सुआ गेमिंग भैया, ठीक है, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू सीजन 1 कॉन्कर जो आज ही पबजी खेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे जो खेलते छोड़ चुका है गेम, यू नो। एंड जो हमारा न्यू बीजे में आने वाला है गाइस, उसके अंदर न्यू अपडेट में ऑफ कोर्स हमें डायनासोर वाला मोड देखने को मिलेगा, जो कि भाई साहब हमारे डक्सुआ गेमिंग भैया अब यहाँ पे पेल पेल के बंदों को दिखाने वाले हैं, यू नो। यार ये बंदे के ड्रॉप शॉट बहुत गंदे हैं यार, क्या ही मारता ड्रॉप शॉट है, मजा आ जाता है। एक पे एचपी नहीं है और से 4 बंदे हैं बिना एचपी के मार दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रश बाय हाइक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। रश इज वन ऑफ द बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप मेड इन इंडिया बाय हाइक। ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और इसके अंदर आपको अलग अलग गेम्स खेलने का मौका मिल जाता है, जैसे कि स्पीड लूडो, कैरम, क्विजी एंड मेनी मोर। यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग खेल रहे हैं और जीत रहे हैं बहुत सारे रिवॉर्ड। और मजे की बात यह है की जैसे ही आप मेरे दिए गए लिंक से इस पे रजिस्टर करोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 रुपए, वो भी फ्री में, जो आप गेम खेलने में यूज कर सकते हो। यहाँ आप अपने फेवरेट गेम खेल कर पैसे जीत सकते हैं और वही जीते पैसे अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई से फटाफट विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इस ऐप का सबसे बढ़िया फीचर है इसके टूर्नामेंट्स, जहां पर आप मात्र 1 रुपए में एंट्री करके 1 लाख रुपए तक जीत सकते हो। भाई 1 रुपए से 1 लाख है ना, गजब बात। ये जो टूर्नामेंट्स है ये लूडो टूर्नामेंट्स है। नीचे दिए गए ऐप लिंक में जाओ, ऐप इंस्टॉल करो और खेलो। ऐप में जाते आपको इन सारे टूर्नामेंट्स का टाइमिंग पता चल जाएगा। ये ऐप बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है और साथ में 100% सेफ भी है। रिवॉर्ड्स के मामले में ये आपको डेली रिवॉर्ड्स भी देते हैं जो गेम्स खेलने में काफी यूजफुल होते हैं। रिवॉर्ड की बात से एक और बात बताऊं तो वो है इनका रेफरल प्रोग्राम, जो कि बेस्ट है क्योंकि हर रेफर पे आपको मिलेंगे 1000 रुपए तक जीतने का मौका। मैं तो कहूंगा भाई अभी जाकर डाउनलोड करो रश को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा डेली 1000 से 2000 तक जीतने का मौका। इतने सारे फायदे बताए तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है रश का, उसको डाउनलोड करो और जाकर के मजेदार गेम्स खेलो और रिवॉर्ड जीतो। इसके रिफ्लेक्स, इसके क्लचेस, इसका गेम प्ले तुम देख के अभी होश उड़ने वाले भाई तुम्हारे। ओके, यहाँ पर इसने अब डीपी रिलोड कर दी है एंड हेल्थ के सामने ही पड़ी है, बट इसको आगे चाहिए, इसको ऑलरेडी हेल्थ मिल चुकी है। सामने एक प्लेयर भाई साहब डायरेक्ट टकले पे गोली मारी, 180 डिग्री घूम के मार दिया भाई उसने मुंह पे। उसके सामने एक बंदा टीपी भी ले रहा है, उसके हेल्थ की बॉडी दिख रही है, उसको भी नॉक किया। यार ये जो न्यू डायनासोर वाला मोड आने वाला है भाई, ये एक्चुअली में सबसे मजेदार मोड होने वाला, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आई गेस एंशिएंट सीक्रेट वाला जो हमारा मोड था उसके बाद हो रहा था बेस्ट मोड, तो यही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर यू नो तुम डायनासोर पे बैठ के भाग सकते हो यार। तुम एक तो डायनासोर वाले पेट तो आने वाले, साथ में तुम डायनासोर के ऊपर बैठ के भाग सकते हो, और वो भी 2-2 डायनासोर है जिनमें तुम भाग सकते हो। एक तो बड़ी बड़ा वाला T-Rex है और फिर उसके छोटे छोटे वर्जन तुम्हारे पास। भाई साहब M760 जो पेलम पाली चालू है अब यहाँ पर भाई, इसका बताओ इसके रिफ्लेक्स, इसका गेम से जो ही बनाते यार। अरे अरे भाई साहब प्लेयर मर गया लेकिन इसके रिफ्लेक्स खत्म नहीं हुए भाई, ये मारता ही चला गया बंदे को, वो तो उड़ गया। M760 और स्कार का कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। सामने एक प्लेयर और पिस्टल चला रहा है। माय डक्सुआ गेमिंग यहाँ पे लेफ्ट राइट दे जिगल करते हुए एकदम देख रहे हो, इसकी मूवमेंट एक्चुअली माइक्रो मूवमेंट है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन दो बंदे यहाँ पर है भाई साहब, जो ड्रॉप शॉट मार के दोनों को पेला है इसने बिना डैमेज का हल्का सा भी। अब देखो ये जो माइक्रो मूवमेंट वाला गेम प्ले होता है ना, एक्चुअली यूजुअली कॉम्पी के प्लेयर या बहुत पुराने प्लेयर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तुम बहुत देख रहे हो एकदम माइनर चेंजेस कर रहे हो अपने मूवमेंट में, जिससे तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है यार। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत टफ है, बहुत सारे प्लेयर कभी सीखते ही नहीं इससे, ना सीख पाते हैं क्योंकि ये टफ है सही में बहुत भाई। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आएगी टीडीएम बनो तो बेस्ट चीज़ है। टीडीएम अच्छा खेलने लगोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। भाई साहब इससे यहाँ उतर के 14-15 प्लेयर मार दिया भाई। ऊपर से तुमने नोटिस किया एक उड़ने वाला डायनासोर भी है, तो तुम 2 डायनासोर पर आएगी बैठ के भाग सकते हो, एक पे उड़ सकते हो, बहुत चीजें करने के लिए भाई मेरा डायनासोर वाले मोड में। भाई साहब ओहो गीली सूट पहन के भाग रहा है भाई, ये तो फुल अलग ही फील चालू है। अरे ये इतना ऊपर जंप नहीं करता, मेरे को पता नहीं था। ओके अब तो गाइस हमें गाड़ी वगैरह की जरूरत ही नहीं है, अपन लोग तो डायनासोर में बैठ के भागेंगे इधर से उधर भाई, फुल मजे में। हाँ यार ये मजेदार चीज होगी ना, सोचो भयंकर इतना बड़ा सा T-Rex लेकर के उसके ऊपर भागे भागे आ रहे भाई। आई गेस उसमें मल्टीपल बंदे बैठ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक प्लेयर बैठ सकता है, उस पर आई फील 3-4 फुल स्क्वाड बैठ सकती है इस वाले पे तो भाई लग रहा है। रोर वगैरह भी करता है, क्या सीन है इसका। एक ना डायनासोर का स्पेशल अटैक होना चाहिए था, लाइक डायनासोर बंदे को खा जाए भाई, क्या मजा आता ना बंदे को चबा करके खा जाए अटैक करके। अरे वो मजेदार चीज होती है। ओके लेफ्ट से प्लेयर आ रहा है, ये कूद के मारेगा उसको, उससे डैमेज दे दिया यूएमपी उसमें, एक प्लेयर को नॉक किया पर इसने, उसका डिफेंस पीछे से आ रहा है। भाई साहब जो 1v2 करा इसने, ये क्लोज था एक्चुअली, मैं यहाँ पर मर सकता था बट बच गया भाई किसी तरीके से। उन पे टीपीपी एडवांटेज था, गन का एडवांटेज था। देखो यूएमपी सारी गनों में बाप गन है। ओके एक प्लेयर खुले में रश कर रहा है रे, और उसके पीछे टीरेक्स भागा आ रहा है, पता नहीं उसके बाद कोई बैठा है कि ऐसे भाग रहा है वो। नहीं कोई ना कोई तो बैठा ही होगा भाई, तभी तो भाग रहा है वो ऐसे, पता नहीं यार बहुत अलग ही सीन है भाई। वो बंदा वहां कैसे चढ़ गया, अरे इसका टीरेक्स मार दिया रे, इसका डायनासोर उड़ा दिया इसने। अरे बुरा लगा यार, इतनी मुश्किल से तो मिलते होंगे, गिने चुने से होंगे मैप पे आ रहे थे, प्यारे प्यारे से तुमने उन्हें मार दिया। देखो मैं भी डायनासोर को प्यारा कह रहा हूँ भाई, इनका सामने आ गया ना भागा फिरूंगा मैं। ओके बंदा पेड़ के पीछे छुप गया इन टाइम पे, क्या स्कैम है भाई साहब, जो ग्रोजा मारी है उसके मुंह पे। और भाई देखो ये ग्रीन वाली यूएमपी की स्किन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है यार, अगर तुम नोटिस करो बहुत वाइब्रेंट है ना। अब तुम क्या मूवमेंट देखो, दे जिगल करते हुए लेफ्ट हैंड मूवमेंट के साथ घुस करके इसने एक बंदे को नॉक किया, यहाँ पर मौसी से खत्म किया ऐसे। लेट्स गो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई सीजन 1 में जो लोग कॉन्कर गए होंगे उनके अपोनेंट या तो आई डोंट नो कैसे अपोनेंट होंगे ना उस टाइम पे। तो मैं सीजन 5 में गया था कॉन्कर, लेकिन सीजन 1 में तो आई गेस प्लेयर्स को ढंग से खेलना भी नहीं आता था यार उस टाइम। तो कॉन्कर लेवल की लॉबी कैसी होती होगी पता नहीं यार, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम में से क्या कोई कभी सीजन 1 में कॉन्कर गया है? सिर्फ 3 बंदे लिटा दिया भाई यहाँ पर, और बटवा भैया का आशीर्वाद ले लिया यहाँ पे। अगर मेरे को वापस कभी सीजन 1 में जाने का मौका मिला तो भाई मैं तो जरूर जाऊंगा, देखूंगा भाई वहाँ की लॉबी कैसी थी यार। क्योंकि सीजन 5 आते आते प्लेयर्स अच्छा खेलने लग गए थे। सीजन 3 में भी जो मॉर्टल गया था कॉन्कर, आई गेस 3 में गया था या 2 में गया था, याद नहीं मेरे को, सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेलने लगे थे। लेकिन सीजन 1 में आई डाउट कि कोई अच्छा अलग लेवल पर खेल पाता होगा जैसे आजकल का गेम प्ले है भाई साहब। आजकल की क्राउन की लॉबी जो है वो सबसे कॉन्कर की लॉबी होती होगी, सही बता रहा हूँ मैं। ग्राउंड प्लेटिनम के आज के प्लेयर सबके कॉन्क्रीट लेवल पे खेलते होंगे भाई। ये कहाँ भागे जा रहे हो खुले में तुम भाई? खाना बट रहा है क्या? ये डायनासोर बट रहे हैं बेटा, खा जाएंगे तुम्हें, निकाल देंगे पीछे से, हवा भी नहीं आएगी तुम्हें। नोबडी के भागे खुले में जा रहे हैं भाई साहब, जैसे पता नहीं फ्री की लूट बिट रही हो भाई। यार ये क्या चीज़ है यार, ड्रैग एंड ग्रैब कैश वगैरह का सीन क्या है यार इसमें, पता नहीं। ये तो खेलना पड़ेगा यार मज़ा आने के लिए, ये अपडेट आ जाए यार मज़ा आ जाएगा। सर्वर पता नहीं भाई कब चालू करने के मूड में पबजी वाले। तो ये तो गोलम गाली कर रहा है भाई, पूरी तरह गोलाबाजी कर रहा है। उन्होंने आई गेस स्पॉट कर लिया है बट इसको क्रोजा है भाई, अरे रुला देगा ये तुम्हें। ग्रोजा मारे, एक प्लेयर नॉक, उसका टीममेट राइट साइड को आया हुआ है, अगेंस्ट उड़ा दिया भाई इसे भी। लेट्स गो बॉय। क्या ग्रोजा का डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, यूएमपी की लेवल की गन है ग्रोजा भी, सही बता रहा हूँ मैं। देखो यूएमपी बहुत स्पेशल गन है, मेरे दिल के बहुत करीब है भाई। बहुत मारती है यार, बहुत गंदा ही मार देती है भाई, थोड़ा सा समझ रहे हो भाई। डायनासोर कहाँ से कहाँ उड़ के जा रहा है यार। कोई तो मिनी मार रहा है इसे, इसको नहीं मार रहा है रे, वो 2 प्लेयर वहाँ बैठे हुए। और ये कैंपर्स को तो क्या ही स्पॉट कर सकते हैं ना, इससे मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ। इससे तो कैंपर्स जो ही दिखेंगे ना, ये पूरा गेम चेंज कर देगा भाई ये डायनासोर, सही बता रहा हूँ मैं। आसमान से उड़ के बंदों को मारो, उनको पता भी नहीं चलेगा तुमने उसे स्पॉट कर लिया, और तुम बस उतरो प्यार से और उसको मार दो भाई। क्या ही सीन है ना। कैंपर्स की तो लग पड़ी भाई, कैंपर्स तो रो देंगे भाई मजाक से हट के। वो बोलेंगे भाई साहब ये मेरे को ढूंढा था, ढूंढा कैसे यहाँ पर। ओके M24 चला रहा है ये AWM, पता नहीं, लग तो M24 रही है। ओए डायनासोर लेके रश भी कर। ओके पड़ा स्प्रे जरूर से, लेकिन आसमान में ऐसे बंदे को नॉक करना थोड़ा टफ है। अरे 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 भाई 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 डायनासोर भाई तो फुल फॉर्म में भाई, डैश वैश करके आगे भाग रहे फुल स्पीड। अरे भाई साहब इसको पकड़ना टफ है भाई, इसके ऊपर तो तुम कहीं भी उतर सकते हो। ओके ऊपर एक बंदा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, शायद से ऊपर फुटस्टेप आ रहे हैं, वो नीचे कूदा भाई। ड्रॉप शॉट FPP करके इसका स्पेशल शॉट है भाई, स्पेशल मूवमेंट है भाई डक्सुआ गेमिंग की। FPP करके ड्रॉप शॉट मारता बंदे के मुंह पे, गीली गीली हुला हु कर दिया इस प्लेयर का। लेट्स गो बॉय। आते हुए सामने एक बंदा टीवी भी ले रहा है, पीछे जाके छुपा है अभी इसके मुंह के सामने, तो देखते क्या ये फॉलो अप करेगा उसको मारने के लिए। उसके साथ पता ही नहीं यहाँ पर, नहीं उसको पता है वो 1v1 लेने आ रहा है। अरे भैया यूएमपी के अगेंस्ट टीपीपी घुस के तुम 1v1 नहीं ले सकते कभी भी जिंदगी में। डैडी गन है भैया, पापा गन है, भयंकर नूबड़ी गन नहीं है ये। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल नूब्स बना देगी, 2 करोड़ का नूबड़ा बना के रिंगवा देगी तुम्हें लॉबी की तरफ। भाई साहब बहुत पाप करना है, इसका कंपटीशन ही चाहिए भाई। इसको लोग मिरामर में चलाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं चलाते भाई यूएमपी को। आज के टाइम में सारे कॉम्पी प्लेयर्स की फेवरेट गन है भाई ये। ओके ये फुल लेफ्ट से फ्लैंक मार रहा है यहाँ पर, पूरा का पूरा लेफ्ट से। मैं डक्सुआ गेमिंग भैया जाते हुए, अरे ये तो नॉक पड़ा हुआ है बे। अरे भाई साहब कैंपर हो रहे भाई, जो पड़ा इसे मुंह पे भाई साहब। ये तो स्कैम हो गया भाई, इसका तो गंदा पड़ गया, ये तो बेइज्जती खा गया। अरे थोड़ी सी सही बता रहा हूँ मैं, मस्त पिलम पाली सी हो गई इसकी ज़िंदगी में तो थोड़ी सी। इसी के साथ कैपिंग आज में इतना ही। पसंद है सब्सक्राइब करना बिल्कुल, नोटिफिकेशन बेल के साथ जोर जाकर के डाउनलोड करना रश को, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डक्सुआ गेमिंग को भी सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम एंड पीस आउट। भाई तो कड़े का नुबड़ा।